Uh, when आई गॉट मैरिड तो शादी से पहले लड़कियों को भी कहा जाता है एम श्योर sure सब ने यह बात सुनी होगी लड़कों से भी कहा जाता है कि यार अब तुमने इसकी खुशी का ख्याल रखना है अब तुमने इसकी खुशी का ख्याल रखना है इसका ख्याल रखना है वह चीज़ इक्ल्स टू इसकी खुशी का ख्याल रखना है तो उसमें होता ये है कि लड़के मुझे लगता है ज़्यादा ख्याल कर रहे होते हैं कि लड़के नए घर से आई नए घर में आ रही होती है और उसने एडजस्ट करना होता है नल ऑफ डैट तो बहुत सारी चीज़ें जो उनका दिल नहीं कर रहा होता करने का वीज़ों पर हाँ बोल रहे होते हैं क्योंकि अगेन वो केयरेंग और स्वीट और बहुत ज़्यादा वो वाला फेज़ होता है तो उससे होता ही है कि इनिशियली वैन आई आस्ट हम टू वॉच अ मूवी विद वी जो मेरी पसंद की होती थी तो ही यूज़ टू से ओके येस लेट्स वॉच अ मूवी बट आहिस्ता आहिस्ता वैन ही स्टार्टेड सेंग नो कि नहीं यार मूड नहीं है वो पोलाइटली मना करते थे या जो भी करते तो फिर मुझे बहुत बुरा लगता था और मैं बहुत हर्ट होती थी कि यार क्या है और क्यों नहीं देख रहे मेरे साथ मूवी वैन यू आर अटैचिंग योर हैप्पीनेस टू समन That is the easiest formula to get hurt and keep getting hurt throughout your life.